समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इत्र नगरी कन्नौज पहुंचे। कन्नौज में उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, भाजपा उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा, कन्नौज में कई साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। इटा में पुलिस कप्तान और डीएम ने मिलकर पर्चा नहीं भरने दिया। फरुखाबाद के साथियों के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना होगा। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से बैंकों का लगातार ब्याज कम हो रहा है। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों का दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी? पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिया गया। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए, अगर कोई खबर चलाएगा तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या का मामला नहीं उठना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।